आकलन क्या है? दो तरीके के आकलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आकलन दो तरीके का यहाँ पे बताया गया है। एक है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी स्कूल आधारित आकलन, और एक दूसरा है जो थर्ड पार्टी आकलन होता है, जो अभी आपने बच्चों का करवाया है, NAS जिसे आप कहते हैं। तो अब ये मान के जाइए, जो पहले हमारे शोध हुए, जो टेस्ट हुए, जो NAS हुआ, जो 2017 में हुआ और अभी 2021 में हुआ, तो इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनसे बात ये निकल कर आई कि अब जब बात राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई है और जब बात आत्मनिर्भर भारत से टकरा गई है, तो अब ध्यान देने की बात ये है कि अब बात टेक्स्ट बुक से बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम पढ़ाते रहे ये सोचकर, कोर्स पूरा कराते रहे ये सोचकर कि हमारे बच्चे पारंगत हो रहे हैं, मगर जब टेस्ट हुआ, थर्ड पार्टी टेस्ट हुआ, तो असलियत सबके बाहर आ गई कि हम पढ़ा रहे थे ये भ्रम था जिसको हम सत्य मान रहे थे। तो यानी निपुण भारत एक कसौटी पर काम करने वाला है और आपसे करवाने वाला है कि टेक्स्ट बुक से ऊपर उठिए। क्लासरूम एक्टिविटीज पर बात होगी, जो आपको बार बार गतिविधि, खेल आधारित गतिविधि, हम बोलते हैं इतनी गतिविधियां हम गतिविधि से तो पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन वो एलो आधारित गतिविधियां हैं। तो निपुण भारत ये कह रहा है, राष्ट्र साक्षरता मिशन आपसे आह्वान कर रहा है कि हमें बच्चों को बुकिश नहीं रखना है, हमें नोटिफिकेशन पे काम नहीं करना है, हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है, अनुभव जन्य शिक्षण हमें इसको करना है। तो अनुभव जन्य शिक्षण यानी कि उसमें खेल हो, गतिविधि हो और परिवेश का टच हो, इन तीनों चीजों का आप टच देंगे तो निपुण भारत का कैंपेन बहुत आसानी से हम अचीव कर ले जाएंगे। इसके